वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप देख रहे हैं मेरा एक और नया वीडियो। आज हमारे पास गाड़ी आया है एलेंट्रा। ये गाड़ी में हम प्रोजेक्टर लाइट का काम करेंगे। प्रोजेक्टर लाइट में हम कौन सा प्रोजेक्टर लाइट फिटिंग कर रहे हैं वो आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मली ज्यादातर के मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे और सिटी में ही आपको लाइट का फोकस वगैरह दिखाता हूँ, ब्राइटनेस वगैरह। मगर ये जो एलेंट्रा गाड़ी आया है इसमें हम सिटी में स्ट्रीट लाइट के नीचे लाइट वगैरह जो आएगा कैसे आ रहा है वो दिखाएंगे। और दूसरा चीज, अगर समझ लीजिए डार्क रोड या फिर हाईवे वगैरह जा रहे हैं तो हाईवे में और डार्क रोड में लाइट का रिस्पॉन्स कितना बेटर आएगा वो भी आपको दिखाऊंगा। सो फ्रेंड, ये आप हेडलाइट देख सकते हैं, ये एलेंट्रा का हेडलाइट है। ये ऑफ्टो मार्केट हेडलाइट आया हुआ है। कंपनी फिटेड जो आया है वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये ऑफ्टो मार्केट हेडलाइट परचेज किया गया है। इसमें टोटल एक हेडलाइट में दो प्रोजेक्टर आता है, लो बीम और हाई बीम के जगह पे। इधर आप देख सकते हैं एक लेंस है और इधर एक लेंस आता है। अभी क्या है, ये जो लेंस आया है हेडलाइट के साथ इसमें ब्राइटनेस जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको लेंस इसमें अपग्रेड करना है। सो गिलास वगैरह मैं ओपन करता हूँ। गिलास ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि जो इसमें लेंस वगैरह आया है वो कैसे रहने वाला है। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हेडलाइट से हम प्रोजेक्टर लाइट रिमूव कर चुके हैं। जो ऑप्टो मार्केट में हेडलाइट आपको दिखाया था उसमें ये प्रोजेक्टर फिटिंग था। ये भी 2.5 इंच का लेंस है और ये भी 2.5 इंच का लेंस है। और ये प्रोजेक्टर आप देख सकते हैं सामने का जो इसका पीस है ये फुल स्क्वायर है, और बैक साइड में इसका बल्ब जो है H7 का फिटिंग कर सकते हैं। HID बल्ब चाहिए तो HID बल्ब फिट कर सकते हैं, अदरवाइज LED बल्ब चाहिए तो LED बल्ब फिटिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रोजेक्टर सेम ही है, इसका लेंस का साइज और प्रोजेक्टर भी सेम ही है। अभी नया से जो हम प्रोजेक्टर इंस्टॉल कर रहे हैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं बाई LED विथ लेजर लाइट हम प्रोजेक्टर इंस्टॉल करेंगे नया से। लो बीम के जगह पे ये आप देख सकते हैं 3 इंच का बाई LED विथ लेजर लाइट हम प्रोजेक्टर लगाएंगे। इधर में अपना लो बीम हाई बीम LED काम करेगा, और ये वाला जो दिया है आग के जैसा ये लेजर स्पॉट बीम काम करेगा। तो इधर व्हाइट लाइट आएगा और इसमें से येलो लाइट आएगा। ये हम लो बीम के जगह पे इंस्टॉल करेंगे, हाई बीम के जगह पे हम लेजर स्पॉट बीम एक सेपरेट 2.5 इंच का लेंस ये फिटिंग करेंगे। तो इसमें लो बीम हाई बीम नहीं होगा, सिर्फ ये लेजर स्पॉट बीम है। तो हाई बीम में इसको हम कनेक्ट करेंगे और इसको लो बीम के जगह पे फिटिंग करेंगे। ये प्रोजेक्टर है अभी 3 इंच का, ये है 2.5 इंच का। अब ये दोनों प्रोजेक्टर को मेरे को मॉडिफाई करके फिट करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो आया है प्रोजेक्टर ये 2.5 इंच का है और इसका जो क्लैंप माउंटिंग है उस जगह में ये स्ट्रेट फिटिंग नहीं करने को होगा। तो क्लैंप जो है उसको मेरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा, देन ये प्रोजेक्टर को मेरे को फिटिंग करना पड़ेगा। सो ये प्रोजेक्टर वगैरह हम फिटिंग कर प्रोजेक्टर वगैरह हम कैसे इंस्टॉल किए हुए हैं और इसका ब्राइट वगैरह कैसे आ रहा है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर लाइट हम लगाने के बाद हेडलाइट को गाड़ी में फिटिंग कर चुके हैं। लो बीम के जगह पे बाई LED विथ लेजर लाइट प्रोजेक्टर हम 3 इंच का लगा चुके हैं, हाई बीम के जगह पे लेजर स्पॉट बीम लगा चुके हैं। ये ऑफ्टो मार्केट हेडलाइट है, इसमें आप DRL देख सकते हैं, व्हाइट कलर का जलेगा। DRL ऑन होने के बाद बहुत ही प्यारा दिखता है, मगर इसमें जो कंपनी फिटेड लेंस आता है, मतलब ये जो ऑफ्टो मार्केट हेडलाइट है इसमें जो लेंस आया था उसका ब्राइटनेस उतना बेटर नहीं था, इसलिए मैं इसमें लेंस अपग्रेड किया हूँ। अभी आपको ये DRL ऑन करके दिखाता हूँ कि DRL कैसे दिख रहा है, और ये फिटिंग वगैरह जो आया है बिल्कुल परफेक्ट से आया हुआ है, आप देख सकते हैं हेडलाइट का। तो इसको ओपन करके हम इसके अंदर जो प्रोजेक्टर लाइट फिट किए हैं, फिटिंग करने के बाद भी कुछ गैप वगैरह बम्पर में नहीं आया हुआ। अभी इसका मैं DRL ऑन करता हूं और उसके बाद आपको दिखाता हूं इसमें जो मैं प्रोजेक्टर लाइट इंस्टॉल किया हूं इसका ब्राइटनेस वगैरह कैसे आ रहा है। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं DRL को ऑन कर चुके हैं हम। ये DRL जो है, ये ऑफ्टो मार्केट हेडलाइट जो आया है, इसका DRL का जो लुक वगैरह है बहुत ही प्यारा दिख रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा दिख रहा है ये DRL का लुक। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम ये था कि जो प्रोजेक्टर लाइट आया था उसका ब्राइटनेस उतना बेटर नहीं था, इसलिए मेरे को प्रोजेक्टर लाइट इसमें लगाना पड़ा।
इधर आपको अभी दिख रहा होगा बाई एलईडी विथ लेजर लाइट जो मैं प्रोजेक्टर लो बीम में लगाया हूँ, ये 3 इंच का आपको दिख रहा होगा और इधर 2.5 इंच का मैं लेजर स्पॉट बीम लगाया हूँ। अभी इसका ब्राइटनेस वगैरह कैसा है वो आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं लो बीम, ये है इसका हाई बीम। सो लो एंड हाई दोनों ही परफेक्ट काम कर रहा है। सो फ्रेंड, ये है फाइनल लाइट आउटपुट। ये एलेंट्रा में जो मैं प्रोजेक्टर लाइट लगाया हूँ, ये है लो बीम, अभी हाई बीम ऑन करते हैं। सो ये है हाई बीम। सो बाई एलईडी विथ लेजर लाइट जो मैं प्रोजेक्टर लगाया हूँ, वाकई इसका ब्राइटनेस वगैरह जो है बहुत ही अच्छा आया हुआ है। ये मतलब पहले का जो लेंस था वो तो मतलब काफी उसका जो ब्राइटनेस था कम था, मतलब इसके साथ तो उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं जो मतलब ये लाइट आ रहा है। ये हेडलाइट में 4 प्रोजेक्टर लगाना था और इसका जो साइज था, साइज जो था ये लो बीम का 3 इंच का था और इसमें लगा हुआ था 2.5 इंच। मेरे को 3 इंच ये लगाने के लिए मॉडिफाई करना पड़ा क्लैंप में, वो मॉडिफाई में कैसे किया वो नहीं दिखा पाया, बट फिटिंग वगैरह जो है बराबर से इसका आ गया और ब्राइटनेस वगैरह तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ही अच्छा ब्राइटनेस इसका आया हुआ है लो एंड हाई का। और इसमें एक चीज था, कंपनी फिटेड जो हेडलाइट आता है उसमें मोटर आता है, मगर ये जो ऑफ्टो मार्केट हेडलाइट परचेज करते हैं इसमें मोटर लगाने का ऑप्शन मतलब दिया हुआ नहीं रहता है। तो मैं ओरिजिनल ही हेडलाइट का मोटर निकाल करके और इसमें लगाया हूँ, तो इसका लेवल वगैरह भी अप एंड डाउन काम कर रहा है। ये एक अच्छा चीज हुआ, क्योंकि ये जो ऐसा अगर कुछ आप पावरफुल लाइट लगा रहे हैं तो मोटर एडजस्टमेंट रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप कैसा स्पीड में जा रहे हैं, आपको कौन सा हाइट में कंफर्टेबल हो रहा है ड्राइविंग करने में, तो मोटर रहता है तो अप एंड डाउन करके आपका लाइट के हाइट के हिसाब से, आपका ड्राइविंग के हिसाब से लाइट को हाइट कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैं मोटर का ऑप्शन इसमें बनाया, मोटर भी ऑपरेट हो रहा है और ब्राइटनेस वगैरह तो मतलब बहुत ही अच्छा आया हुआ है। मोटर को भी मैं मॉडिफाई करके ही फिट किया हूँ, मगर मोटर काम कर रहा है, वो एक अच्छा चीज हुआ। सिटी में तो लाइट आपको दिखा दिए कि मतलब कि कितना अच्छा आ रहा है अपना स्ट्रीट लाइट वगैरह के नीचे। अब इसी लाइट को हम जो है हाईवे में दिखाएंगे आपको कि मतलब हाईवे, ओपन रोड और डार्क रोड में इसका परफॉर्मेंस कैसा है, जो ये मैं लाइट इसमें इंस्टॉल किया हूँ। ये आप देख सकते हैं डार्क रोड का, मतलब स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लो बीम है और ये है हाई बीम। सो लो एंड हाई दोनों ही परफेक्ट से काम कर रहा है और आप देख सकते हैं लाइट का जो लेवल है वो बिल्कुल मतलब आपको दिख रहा होगा लेफ्ट राइट एकदम हाइट परफेक्ट है, ठीक है ना। और ब्राइटनेस तो बहुत ही अच्छा आया हुआ है, ये डार्क रोड का लाइट का रिस्पॉन्स है आप देख सकते हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। तो आप सिटी में चलाएं या फिर हाईवे में चलाएं, जो लाइट आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा मिलेगा। अभी इधर से एक दो स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं, व्हाइट वाला स्टार्ट हो गया, एक दो दिखा, बाकी आप देख सकते हैं इधर मतलब ये जो रोड में आए हैं ये रोड में तो आदमी मतलब दिख ही नहीं रहा है। एनीवेज, मगर डार्क, अच्छा खासा डार्क रोड है ये और इसमें आप देख सकते हैं हाई बीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लो बीम भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। मतलब ये ऐसा है कि आराम से आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये जो है अपना अभी नॉर्मल स्पीड में आराम से ये चला रहे हैं गाड़ी को, ठीक है। अभी थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं कि मतलब
आप समझ लीजिए 100-120 आप स्पीड में अगर जाएंगे तो कैसा लाइट रहने वाला है। सो ये आप देख सकते हैं बराबर से ओपन रोड मिला है, इसमें आप देख सकते हैं लाइट कितना अच्छा रिस्पांस लाइट का आ रहा है, और आप रेंज देख सकते हैं कितना दूर तक कवर कर रहा है हाई बीम में। लो बीम में भी कवर करेगा, लो बीम में क्या करना रहेगा कि सिर्फ मोटर से जो लेबल है उसको हाइट करना पड़ेगा, मतलब मोटर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बाकी आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट भी बराबर से दिख रहा है, और हाई बीम में तो मतलब एकदम प्रॉपर से सेंटर में फोकस कर रहा है लाइट, ठीक है। सो फ्रेंड ये एलेंट्रा में मैं बाई एलईडी विथ लेजर लाइट प्रोजेक्टर फिटिंग किया, इसका ब्राइटनेस वगैरह आपको कैसे लगा हमको कमेंट करके बताइएगा आप, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम जो भी गाड़ी का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले।